हाय गाइस, वेलकम टू कॉमर्सी पाठशाला। आई होप कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। कुछ ही दिनों में एग्जाम होने वाले हैं, सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। और आज का टॉपिक जो है, पहले उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है डिफरेंट मेजर्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिए हैं ताकि हम लोग एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें। एक्सपोर्ट प्रमोशन के ऐसे कौन कौन से मेजर्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले चुकी है और आने वाले समय में आई होप कि इसमें कुछ बदलाव भी होंगे, तो इसके बारे में हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ कि नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स के, IBO 1 to IBO 6, MCO 1 to MCO 7, और जो न्यूली MCOM का कोर्स लॉन्च हुआ है जिसमें MCO 21, 22, 23, 24, 15 बहुत सारे सब्जेक्ट्स नए नए लॉन्च किए गए हैं, उन सब के नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग द बीकॉम सब्जेक्ट नोट्स। अगर किसी को चाहिए तो वो हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पे, विच इज 8101065300, राइट। सो और एक बात और कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन को मैं आसान करता रहूं, ठीक है। तो फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बिना समय बात किए तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट, जो सबसे पहला मेजर है, वो ये है कि इंटरनेशनल प्रेजेंस, ठीक है ना। खुद का एक इंटरनेशनल प्रेजेंस क्रिएट करना मार्केट में, इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत जरूरी होता है। आपको बताना ये जरूरी होता है कि आपके पास ये प्रोडक्ट है, आप इस कंट्री में इस प्रोडक्ट को सस्ते दामों में बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ये प्रेजेंस मार्केट में क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला काम जो है प्रमोशन के मामले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यही करती है। द डायरेक्टर ऑफ एग्जीबिशंस मेक अरेंजमेंट फॉर पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल एग्जीबिशंस, होल्ड इंडियन एग्जीबिशंस अब्रॉड, रन शोरूम्स इन फॉरेन कंट्रीज एंड सेट अप ट्रेड सेंटर्स आउटसाइड इंडिया, राइट। सो दीज आर द मेजर्स जिसके जरिए आप खुद को दिखाने की कोशिश करते हो वर्ल्ड को कि देखो हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट हैं और बहुत ही चीप एंड अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर आपको चाहिए तो आप हमसे बात करें, like that, okay? So international presence is very important. Second point is Export Promotion Council. ये बहुत important point है। इसके बारे में हम लोगों ने already किया हुआ था एक video में, ECGC हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसी के बारे में है ये, थोड़ा सा इसको और डिटेल में करेंगे। The director of commercial intelligence है ना, जो commercial intelligence का director होता है, is concerned with the commercial publicity through various media, monthly publications, directories of foreign importers of Indian products country wise, है ना। तो जो director होता है commercial intelligence का, उसके बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया कि मीडिया के साथ इंटरेक्ट करना, मंथली पब्लिकेशंस प्रोवाइड करना। पब्लिकेशंस निकालना बहुत जरूरी होता है, तभी लोगों को पता चल पाता है। आजादी की लड़ाई भी हम लोगों ने तभी जीती थी जब हमारे यहाँ के जो राइटर्स थे, जो थिंकर्स थे, उन लोगों ने लिखना स्टार्ट किया था, लोगों को पता चलने लगा चीजें, जब तब जाकर के वो चीज पॉसिबल हो पाई। तो इस केस में भी वही चीजें हैं, है ना, ये सब चीजें करना बहुत जरूरी है। सो देयर आर 22 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफरिंग सर्विसेज ऑफ डिफरेंट ऑफरिंग सर्विसेज ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन सच एज प्राइस, क्वालिटी, पैकेजिंग, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, है ना। तो ये 22 तरह के एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हमारे इंडिया में जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लेकर के हैं। अब एक प्रोडक्ट के लिए सिर्फ एक तरह का प्रमोशन काउंसिल तो नहीं हो सकता ना, डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट लगेगा, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी आपको लगती है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस होते हैं सबके, क्वालिटी अलग अलग होती है। सो फॉर दैट यू नीड डिफरेंट डिफरेंट प्रमोशन काउंसिल्स। सो वी हैव अराउंड 22 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स विच आर रनिंग थ्रू आउट इंडिया, अक्रॉस इंडिया, जिसमें हम ध्यान देते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसकी पैकेजिंग के ऊपर ध्यान देते हैं, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट वगैरह के ऊपर जो है ध्यान दिया जाता है। दे कंडक्ट मार्केट सर्वेस किए जाते हैं, पब्लिश रिपोर्ट्स ऑन फॉरेन ट्रेड के ऊपर जो है रिपोर्ट पब्लिश किए जाते हैं, एडमिनिस्टर वेरियस एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, जो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स होती हैं उसको एडमिनिस्टर किया जाता है, डेवलप ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स, क्वालिटी कंट्रोल, ज्वाइंट पार्टिसिपेशन इन ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन। सो दीज आर द टूल्स जिसका इस्तेमाल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है थ्रू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसके जरिए लोगों को बताया जा सके कि भाई हमारे पास ये है, ये सारी फैसिलिटीज है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भाग भी लें, ठीक है। बीच में थोड़ा सा प्रमोशन कर देता हूँ, जिन लोगों ने नोट्स अभी तक नहीं लिया है, नोट्स आप ले सकते हैं हमारे पास से, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज पर पेपर पे अवेलेबल है। पहले इसकी कीमतें काफी ज्यादा थी, बट रिसेंटली हम लोगों ने एक ग्रुप लॉन्च करा, उस ग्रुप को भी लॉन्च कर आप जुड़ सकते हैं, उसमें ढेर सारी बेनिफिट्स हैं। आपको जो है असाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ऑन डिमांड लेक्चर मिल जाएगा, नोट्स आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज पर पेपर पे मिल जाएंगे। सो दीज आर द मल्टीपल बेनिफिट, जब आप उसको ज्वाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आपको वहां से सारी सारी जानकारी जो है मिल जाएगी, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है सेटिंग अप कमोडिटी बोर्ड टू प्रमोट एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कमोडिटी बोर्ड भी बनाया गया है ना। कमोडिटी बोर्ड क्या होता है, तो एक पर्टिकुलर टाइप की कमोडिटी सपोज है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइप की स्ट्रेटेजी की आवश्यकता होगी, पर्टिकुलर टाइप के फाइनेंसिस की आवश्यकता होगी, पर्टिकुलर टाइप की पॉलिसीज की आवश्यकता होगी, क्योंकि सब एक तरह का तो नहीं होता। तो उसके लिए बोर्ड बनाया गया है ताकि आप उस तरह के प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकें जिस तरह की मैं बात कर रहा हूँ, राइट।
कमोडिटी बोर्ड आर सेट अप टू हेल्प एक्सपोर्ट ऑफ देयर ट्रेडिशनल आइटम्स, है ना। तो ये हेल्प करते हैं ट्रेडिशनल आइटम्स के एक्सपोर्ट में। देयर आर सेवन कमोडिटी बोर्ड्स अपार्ट फ्रॉम ऑल इंडिया हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट बोर्ड अंडर द कॉमर्स मिनिस्ट्री। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में ऑलरेडी ऑल इंडिया हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट बोर्ड है। इसके अलावा इंडिया में टोटल सेवन कमोडिटी बोर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। दे एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन इट्स पॉलिसीज, गवर्नमेंट को वो एडवाइस करते हैं कि उनकी पॉलिसीज क्या होनी चाहिए रिगार्डिंग दीज प्रोडक्ट्स एंड जो भी यहाँ पे यू नो चीजें हैं। साइनिंग ट्रेड एग्रीमेंट, कैसे किन के साथ कौन सा ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना है। फिक्सिंग कोटा, कोटा बहुत जरूरी होता है कि इतना मैंने सेल करना है, इतना मैंने भेजना है, क्योंकि डिमांड से ज्यादा अगर हम भेज देंगे तो आपका लॉस हो जाएगा, राइट। तो उसके ऊपर ध्यान देना भी इंपॉर्टेंट होता है। सो दीज आर द यू नो डिफरेंट एडवाइसेज दैट दे प्रोवाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक इट्स पॉलिसीज, राइट। Fourth point is trade reps. Okay, so there are trade representatives abroad which who conduct market surveys, furnish information on export imports, settle trade disputes and pass on information about the rules and regulations of I mean for imports. So ये बहुत important होता है। Trade representative आपको पता है कि हर एक country में होते हैं। देखो जब आप business करने बाहर जाओगे किसी और country में तो आप खुद से अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि आपके साथ आप product के साथ खुद तो नहीं जाने वाले ना। अच्छा चलो चले भी गए पहली बार तो हर बार तो आप नहीं जाओगे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव उस तरफ खड़े करके रखे हैं। आपको अगर ट्रेड करना है दे विल हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे। आपको क्या करेंगे, वो लोग मार्केट सर्वे करके देंगे कि यहाँ मार्केट में इस चीज़ की आवश्यकता है, आप वो चीज़ का सप्लाई आप वहाँ कर सकते हैं। जितनी भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं उनके द्वारा, है ना। किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है दे सेटल इट, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उसको सेटल करते हैं। और किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस इंपोर्ट के रिगार्डिंग, एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग, वो भी पास ऑन किया जाता है टू द एक्सपोर्टर और टू द इंपोर्टर, है ना। सो ये सारी चीजें हैं। पांचवा पॉइंट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, IIFT का आपने नाम सुना होगा, काफी फेमस है। इसका काम ही यही है कि फॉरेन ट्रेड को किस तरीके से फैसिलिटेट किया जा सके, बढ़ाया जा सके, ताकि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको ठीक तरीके से किया जा सके। सो देयर आर यू नो डिफरेंट फंक्शंस है जो कि ये प्रोवाइड करती है और पूरे इंडिया में करती है, और काफी इससे हेल्प भी होता है। सो द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड वॉज सेटअप बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कॉपरेशन विद द ट्रेड इंडस्ट्री एंड यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। तो IIFT को गवर्नमेंट ने यू नो एक तरीके से बनाया, तैयार किया, बट इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि साथ में मिलकर के इसके ऊपर काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो ट्रेड हो गया, इंडस्ट्रीज हो गए, यू नो यूनिवर्सिटीज हो गए, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के छात्र भी इसमें आकर के यू नो हिस्सा लेते हैं। एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो कि इसको पढ़ाने में काफी हेल्प करते हैं। सो इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी सेट अप इन टू ट्रेन पीपल इन इंटरनेशनल ट्रेड। इसको तैयार इसलिए किया गया ताकि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए लोगों को तैयार किया जा सके, रेडी किया जा सके। कंडक्ट रिसर्च करवाना इनका काम होता है, सर्वे एंड ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना, सर्वे कराना, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का काम है। मैं भी जा रहा हूँ इसमें खुद का दाखिला करवाने, अगर हो पाएगा तो, ताकि मैं थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ले लूँ एंड कोई अगर वैसा प्रोडक्ट हो तो उसको सेल कर सकूँ फॉरेन मार्केट में। लेट्स सी क्या होता है। सिक्स्थ पॉइंट है पार्टिसिपेशन। So to promote, organize and participate in the international trade fairs, government set up Trade Fair Authority of India in 1977. It sets up showrooms and shops in India and abroad. It assists in development of new items for diversification and expansion of India's export. They publish journals. यहाँ पे ये लोग journals भी publish करते हैं जिसका नाम क्या होता है, Journal of Industry and Trade. देखो participation जो है ये होना बहुत important है, तो इसके लिए government of India ने क्या किया, ऑफ इंडिया ने यू नो डिफरेंट ट्रेड फेयर्स ऑर्गेनाइज करवाए। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो होते हैं वहां पे यू नो ट्रेड फेयर अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया गया 1977 में, उसके जरिए जो है गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करवाए, उसमें उनको जो है पार्टिसिपेट करवाया। इनका काम मेनली ये होता है कि ये लोग शोरूम्स तैयार करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपके लिए, यू नो जो इंडियन प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए, ताकि आप उन सबको इंडिया में और इंडिया के बाहर अब्रॉड में भी आप उसको सेल कर सकें, लोगों को बता सकें कि ये प्रोडक्ट है हमारे पास। देखो आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों के पास अगर जानकारी नहीं होगी तो आपके प्रोडक्ट को कैसे खरीदेंगे। तो जानकारी दिलवाना, प्रमोशन करने का काम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है बाई पार्टिसिपेटिंग इन ऑल द इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। इट असिस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइटम्स फॉर डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन के लिए न्यू आइटम्स की आवश्यकता पड़ती है, उसमें उसको बनाने में असिस्ट करने का काम भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है विद दिस पॉइंट यू नो पार्टिसिपेशन जो है, राइट। और यहाँ पे जर्नल्स की मैंने बात की, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स ये लोग मैगजीन्स वगैरह जो है ये लोग निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे नाम देखो उद्योग व्यापार पत्रिका, इंडियन एक्सपोर्ट सर्विस बुलेटिन वगैरह वगैरह, है ना। एक और है यहाँ पे यू नो इंडियन एक्सपोर्ट सर्विस बुलेटिन एंड इकोनॉमिक एंड कमर्शियल न्यूज वगैरह वगैरह, है ना। इस तरह की चीजें होती हैं।
सातवां नंबर पॉइंट है ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी. ओके, सो इन एडिशन टू द अबव वी हैव ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, कंडक्ट रिसर्च एंड रेंडर एक्सपोर्ट फाइनेंस एंड हेल्प इन सिक्योरिंग एंड इंप्लीमेंटिंग एक्सपोर्ट ऑर्डर्स. सो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका नाम ही है ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है. और किस चीज की डेवलपमेंट? तो ट्रेड की डेवलपमेंट है ना. तो इनका काम मेनली क्या होता है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, रिसर्च कंडक्ट करवाना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, फाइनेंस प्रोवाइड करना एक्सपोर्टर्स को, ताकि उनको हेल्प हो सके और उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो उस चीज के ऊपर उनका ध्यान देना. एक्सपोर्ट ऑर्डर्स वगैरह जो आते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग वगैरह में उनकी हेल्प करना. सो देयर आर मल्टीपल वर्क्स दैट दे डू और ये काफी इंपॉर्टेंट वर्क होता है. आठवां नंबर पॉइंट है फाइनेंसिंग फॉर एक्सपोर्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. देखो, जब आप एक्सपोर्ट करोगे ना अपने सामान को इंडिया के बाहर, तो आपको फाइनेंस की आवश्यकता पड़ेगी, आपको पैसों की आवश्यकता पड़ेगी. तो वो करवाने का काम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ECGC के थ्रू करवाती है. सो द एक्सपोर्ट गारंटी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ECGC कवर्स बोथ कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क ऑन एक्सपोर्ट क्रेडिट ट्रांजेक्शन. ECGC जो है एक तरीके से कवर करती है, इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकती करती है. आप बता सकते हो कि जो भी चीजें आप भेज रहे हो उसमें किसी भी तरह का कोई कमर्शियल या फिर पॉलिटिकल रिस्क जो है उसके ऊपर नहीं आएगा, उसके लिए वो जो है कवर प्रोवाइड करती है. इट्स हेड ऑफिसेज इन मुंबई एंड ब्रांचेज आर इन दिल्ली, कलकत्ता एंड चेन्नई, है ना. इसका जो हेड ऑफिस है ECGC का वो मुंबई में है और इसके ब्रांचेज जो है वो दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई में है. इन 1982 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप एक्सिम बैंक विद हेड ऑफिस इन मुंबई. 1982 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप करती है एक्सिम बैंक को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को, ब्रांच ऑफिसेज इन अदर मेजर सिटीज इन इंडिया एंड अब्रॉड. और इसके जो ब्रांच ऑफिसेज हैं वो इंडिया के डिफरेंट सिटीज में, जो मेजर सिटीज है खासकर जैसे मैंने अभी बताया जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं, एंड अब्रॉड में भी जो है इसके ब्रांचेस खोले गए हैं ताकि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी हेल्प की जा सके. Exim Bank finances export and import of machinery, finances joint ventures, provides loans, undertakes merchant banking functions such as underwriting stock shares and bonds or debentures, develops and finance export oriented industries, undertake techno marketing studies and promotes international trade. So these are the activities or functions what they do. Exim Bank jo hai ye karta hai, loan deta hai, joint ventures mein help karta hai, usme finance mein help karta hai, मशीनरी की इंपोर्ट में आपको हेल्प मिल जाएगा. सो देयर आर मल्टीपल चीजें जो है उनके द्वारा की जाती हैं. आप इसको एक बार पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा. नौवां नंबर पॉइंट है एडवाइजरी काउंसिल. सो सम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैव सेट अप स्पेशलाइज्ड एक्सपोर्ट ट्रेड कॉर्पोरेशंस विच अंडरटेक एक्सपोर्ट प्रमोशंस. दे आर एस्टैब्लिश्ड इन आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एक्सेट्रा. देयर आर ऑल्सो एडवाइजरी councils like board of trade, export import advisory council etc. ठीक है ना. तो जो गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, उन लोगों ने क्या किया है, एक स्पेशलाइज्ड एक्सपोर्ट ट्रेड कॉर्पोरेशन बना करके रखा है, एक एडवाइजरी काउंसिल बना करके रखा है जिसके जरिए वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं, है ना. और ये चीजें मेनली कौन कौन से स्टेट्स में अवेलेबल है? आंध्रा में है, बिहार में है, कर्नाटका में है, यूपी, एमपी, एचपी, तकरीबन हर एक स्टेट्स में है. यहाँ पे हालांकि मैंने कुछ मेजर स्टेट्स की बात बताई है, बट धीरे धीरे करके ये डेटा भी काफी पुराना है, धीरे धीरे करके आई गेस सारे के सारे स्टेट्स में जहाँ पे चीजें एक्सपोर्ट की जाती है ज्यादा मात्रा में, वहां पे ये चीज होती है, एडवाइजरी काउंसिल जो है वो होती है, है ना. और एडवाइजरी काउंसिल की मैंने बात की, बोर्ड ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एडवाइजरी काउंसिल एक्सेट्रा, इसको जो है एस्टैब्लिश किया गया है. दसवां नंबर पॉइंट है टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टेक्निकल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना एक्सपोर्ट जो करते हैं एक्सपोर्टर्स उनको, ताकि वो जो एक्सपोर्ट की एक्टिविटीज को ठीक तरीके से कर सके, बिकॉज देयर आर मल्टीपल एक्टिविटीज विच दे नीड टू डू और वो भी बहुत ही परफेक्शन के साथ. तो इसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम भी जो है गवर्नमेंट करती है. एंड पढ़ते हैं फिर. सो द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन SIDO विद 26 स्मॉल इंडस्ट्री सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड टेक्नो मैनेजरियल असिस्टेंस लाइक मोटिवेटिंग एंटरप्रेन्योर्स टू एक्सपोर्ट, प्रोवाइड इंपोर्ट इंफॉर्मेशन ऑन एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड ऑफर कंसल्टेंसी सर्विसेज विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स. ठीक है ना. तो इन सब चीजों से रिलेटेड जो है जो भी असिस्टेंस की आवश्यकता पड़ती है, टेक्नो मैनेजर असिस्टेंस की आवश्यकता पड़ती है, वो SIDO और उसके जो 26 स्मॉल इंडस्ट्री सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट के कहने पे, है ना. तो ये वो सारे कुछ 10 पॉइंट्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, काफी एग्जामिनेशन के लिए भी क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है. और ये क्वेश्चन जो है हो सकता है कि आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए. तो आई होप कि आपकी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा. एंड कोई भी डाउट अगर इस टॉपिक से रिलेटेड है या फिर कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि एग्जाम में आ सकता है और मैंने उसको कवर नहीं किया है, तो प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए. और हाँ, प्लेलिस्ट में जाइए, हमारा चैनल का जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आपको ढेर सारी वीडियोज मिल जाएंगी जिनको देख करके आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं.
ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे बात करो, 8101065300 नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो इधर, और आप हमारा जो ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन करके वहाँ पे आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।